sir, with all humility at my command, I rise to support the no confidence motion moved by our younger MP Sri Gaurav Gogoi. Under Rule 198, sir, as you know that no confidence motion proceed does not mean that the government will be dislodged or dethroned. See, the issue is in the year 1782, first no confidence motion was moved in London when the then Prime Minister Lord North has submitted his resignation to King George III because the British army was defeated in the Revolutionary War in America. So in our parliamentary mechanism, it's a long tradition which has been persuading, because we are also following the same path of parliamentary democracy in our country. In the year 1963, first no confidence motion was moved against Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru ji. Since then, 28 no confidence motion has been moved in this parliament. Barring the three confidence motions, all the no confidence motions were destined to be defeated. So the issue is, as the Treasury bench has trying to make it equivalent, as our attempt to dislodge this government, we know that we don't have the requisite number at our disposal. Bahumat ki bahubali aapke paas hai. Bahumat ki bahubali se aap jeet sakte ho. Lekin hame kyun ye no confidence motion lana pare, isko thoda samjhane ki koshish hona chahiye. सर देखिए, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे, यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन हम बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारे देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले। ये सिर्फ हमारा मांग थी और कुछ नहीं। हमारा मांग कोई बीजेपी नेता से नहीं, हमारी मांग थी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री से, जो लाजमी है क्योंकि हम भी ये सदन की मेंबर है। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्यों इतना आरे हुए थे कि सदन में ना आने की शपथ ले चुकी थी, तो इसी के चलते मजबूरन हमें भी ये संसदीय जो औजार इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, ये संसदीय औजार को इस्तेमाल करते हुए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़े। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे सबसे बड़ा वजह है। सर, कल जब सदन में हम लोग चर्चा में भाग ले रहे थे, तो सदन में एक गूंज उठी के कि हमारे देश से भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया, परिवारवाद, क्विट इंडिया वगैरह वगैरह, क्योंकि ये 9 अगस्त हमारे अगस्त क्रांति दिवस माना जाता है। मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। सर, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है,
एक राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसका आह्वान 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे सत्र द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो अभियान के भाषण में गांधी जी के करो या मरो के आह्वान के अनुसार 9 अगस्त को हुई थी। अंग्रेजों ने 8 अगस्त को ही बड़े पैमाने पर लोगों की नजरबंदी के साथ अत्यंत तेजी के प्रतिक्रिया व्यक्त की। 1 लाख से अधिक गिरफ्तारियां की गई जिनमें गांधी जी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नेता भी शामिल थे। बड़े पैमाने पर जुर्माना लगाया गया और प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक रूप से मारा पीटा गया। हिंसा में सैकड़ों नागरिक मारे गए जिनमें से अनेक पुलिस और सेना की गोली से मारे गए। सर, मैं ये कहना चाहता हूं इसलिए इसके पहले भी मैसूर में एक भयानक नरसंहार हुआ था जहां हिंदू महासभा और आरएसएस की बेहद करीबी मैसूर के राजा की सशस्त्र सेना ने तिरंगे को सलामी देने के लिए 22 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1942 में कानपुर में हिंदू महासभा शासकों के साथ सहयोग करने की रणनीति को निम्नलिखित शब्द में रेखांकित किया गया था। हिंदू महासभा को मानना है कि समस्त व्यावहारिक राजनीति का प्रमुख सिद्धांत अंग्रेजों के साथ उत्तरदायी सहयोग की नीति है। उत्तरदायी सहयोग की नीति जो बिना शर्त सहयोग से लेकर सक्रिय और यहाँ तक कि सशस्त्र प्रतिरोध तक देशभक्ति के क्रियाकलापों के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करती है। समय की जरूरतों, हमारे निपटान में संसाधनों और हमारे राष्ट्रीय हित के निर्देशों के अनुसार खुद को अनुकूल बताती रहेगी। सर, इसके साथ साथ व्यावहारिक राजनीति में महासभा जानती है कि हमें उचित समझौता के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। इस तथ्य का प्रमाण यह है कि हाल ही में सिंध में निमंत्रण पर सिंध हिंदू महासभा ने गठबंधन सरकार चलाने के लिए मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाने की जिम्मेदारी ली थी। बंगाल के मामले तो जगजाहिर है। आक्रामक मुस्लिम लीग वाले जिन्हें कांग्रेस भी अपनी पूरी विनम्रता के बावजूद शांत नहीं कर सकी, जैसे इसी फजलुल हक के प्रधानमंत्रित्व और उनके सक्षम नेतृत्व में हिंदू महासभा और गठबंधन सरकार के संपर्क में आए काफी हद तक समझौतावादी और मिलनसार हो गए हमारे सम्मानित महासभा नेता स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दोनों समुदायों के लाभ के लिए लगभग 1 वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य लिया। बंगाल मुस्लिम लीग मिनिस्ट्री में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की ओर से बंगाल सरकार के लिखे एक पत्र में यह स्पष्ट किया कि ये दोनों दल ब्रिटिश शासकों को कांग्रेस द्वारा आरंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ बंगाल के राक्षस के रूप में देखते थे। तो इसमें साबित क्या हुआ सर? ब्रिटिश के तरफदारी करने वाले आपके पूर्वजों ने ये देश के लिए यही हमें दान किया था। तो आप लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद हमें नहीं थी कि जब क्रांति सब अगस्त क्रांति के दिन आप अगस्त क्रांति के दिन नारा लगाते हुए वो बात हटा दिए और नया नया नारा लगाते हुए लोगों को आपने गुमराह करने का कोशिश किया। हमारा बात साफ है सर, क्विट इंडिया होना चाहिए, सांप्रदायिकरण से क्विट इंडिया, ध्रुवीकरण से क्विट इंडिया, भगवाकरण से क्विट इंडिया। क्विट इंडिया हमें करना ही पड़ेगा। आजादी के शाम न हम होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे। बची रहे एक बूंद
लहू की रंगों में भारत माता की आंचल को बर्बाद नहीं होने देंगे। यही हमारा मकसद है। मैं सिर्फ ये कहना चाहते हैं, सर प्रधानमंत्री जी को सम्मान के साथ ये कहना चाहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी, आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना भारत की आम जनता के साथ। जब मणिपुर गए तो मणिपुर के दशा देखा हमने, और दशा देखने के बाद हमें जरूर यह महसूस हुई कि कम से कम देश की सबसे बड़ा मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जी को एक बार मणिपुर के आम वासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए थे। शांति की कोई पैगाम लेकर प्रधानमंत्री जी को खुद कोई कार्रवाई करना चाहिए थे। कम से कम आपकी तरफ से एक बार मणिपुर के लोगों को अपना मन की बात रखना चाहिए थे। सर ये मांग कोई गलत मांग नहीं है, मणिपुर के आम लोगों की मांग था। सर शेक्सपियर की एक मैकबेथ एक लेख है, मैकबेथ को सर ये टायरेंट कह जाता था, एक टायरेंट किंग मैकबेथ, अत्याचारी राजा। तो मैकबेथ के अत्याचार देखते हुए शेक्सपियर ने बड़े दुख जताई थी और कह रहे थे कि स्कॉटलैंड में जिस तरीके की हमला हो रहे हैं, जिस तरीके की दुर्दशा देखे जाते हैं, तो उसमें बड़ी दुख के साथ एक कोई शब्द लिखे थे, इट वीप्स इट ब्लीड्स एंड ईच डे ए न्यू ए गैस इज एडेड टू द वाउंड्स, ईच न्यू मॉर्निंग न्यू विडोज हाउल, न्यू ऑर्फेंस क्राई, न्यू सोरोज स्ट्राइक द हेवन इन द फेस। हमें भी लगा कि मणिपुर की हालात ऐसा ही है, जहां लोगों की मन में कोई चैन शांति कुछ नहीं थी। सारे मणिपुर यही तो बात है, आप समझ नहीं सकते। अनारस के साथ बनारस की तुलना मत किया करो, चाना के साथ बेदना की तुलना मत किया करो, बुलक के साथ हिलक की तुलना मत किया करो। इसलिए नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस दिन मणिपुर के मुद्दे पे बोलना चाहिए था, कहां से छत्तीसगढ़ लाए, कहां से राजस्थान लाए, कीजिए ना। लेकिन मणिपुर की दंगा ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मणिपुर की दंगा एक जाति दंगा के रूप में एक सिविल वॉर की तरह सारे देश दुनिया में चर्चा के मुद्दे बन गए। आप जब यूरोप में गए थे, फ्रांस में, जहां आपको पुरस्कार मिला था, खुशी हुई हम लोग, आपको नवाजा गया बहुत बड़ा पुरस्कार में, उस समय भी यूरोपियन पार्लियामेंट में ये मणिपुर की मुद्दा चर्चा में थे, अमेरिका में भी ये मुद्दा चर्चा में थे। तो हमारी तरफ से ये बार बार समझाने की कोशिश किए गए थे कि मणिपुर का मणिपुर इशू कैनॉट बी कन्फाइंड टू एनी स्टेट और एनी नेशन, इट्स ऑलरेडी अज्यूम्ड ए ग्लोबल डायमेंशन, दैट इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर इंटरवेंशन इज इंडिस्पेंसिबल इज कॉल फॉर, दैट वाज आवर आर्गुमेंट, देयर इज नो हार्म ऑफ इट। सर बात यह है कि मणिपुर में क्या देखा, मणिपुर में हमें देखा कि हमारे घर की मां बहन को वस्त्रहीन हालत में विवश करके उनके ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है। तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की वस्त्रहरण हुई थी,
आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं लिया, किसी को नाम नहीं लिया मैं, किसी को नाम नहीं लिया मैं, तो इसलिए इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते, जहां राजा अंधा बैठे रहते, वहां द्रौपदी की वस्त्रहरण, चाहे वो हस्तिनापुर में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। मणिपुर हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं रहता। आपने एक अपील की थी कि आइदर और साइड से बहस को शांति से सुना जाए, हम बड़े धैर्यपूर्वक सुनते गए। उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश की कार्य पद्धति हमारी संसद ने अडॉप्ट की है, पूरे देश का अपमान किया, हम चुपचाप बैठे रहे। हमारी संविधान सभा ने ये पूरी प्रक्रिया तय की है, स्वीकार करी है। आगे माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद भी अनर्गल बोलते रहे। अब मैं अभी ये जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने उनको समय नहीं दिया, मेरे बोलने के साथ बात दिया जाएगा। आपने समय दिया सर, आया उसमें कुछ स्कोर करना चाहते हैं, कुछ मान्यता मगर माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए, या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पा रहे। अमित शाह जी, आप थोड़ा बैठे, प्रधानमंत्री जी के गुस्सा नहीं आता आपको, क्यों आते हैं इतना? किसी को गुस्सा नहीं आते, तो चर्चा की मुद्दा है, आप मुद्दा पे बोलिए सर। मुद्दा पे तो बोलते हैं सर। बहुत दिन पहले सुना इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत, उन्हें छू नहीं सके। वो कैरिबियन समुद्र की बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए, लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है, और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। माफी मांगना चाहिए इनका, पार्टी इनको समय नहीं दिया, जैसे गृह मंत्री ने बताया समय हमारे पार्टी से लिया है, और अभी इनका अभी लेकर क्या क्या बात कर रहे हैं सर, चांद से लेकर सर ये अनाप शनाप बात नहीं चलेगा सर, चीता तक। ये नीरव मोदी को लोन लोन पे इन लोगों ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिए हुए हैं। सदन है, आप मुद्दों पे बोलिए। मैं तो ये मेटाफोरिकली बोला सर, इस सदन के अंदर मेटाफोरिकली लोन कौन दिया, लोन कौन दिया बोलिए, कोई गलत। अरे अजीर बाबू, लोन कौन दिया बताइए, आपके एसी के ऑफिसर फोन करके लोन दिवाए नीरव मोदी को, क्या बात कर रहे हैं? अगर आप सत्ता में रहते तो नीरव मोदी इधर ही रहता था, उनको लोन वसूली करने के लिए हमने कोशिश की, हमारा सरकार इसीलिए भाग गए हैं। उदाहरण की तरह बोले सर, बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री चाहे चांद हो और चाहे कूनो फोर्स की चीता हो, चांद हो ये कूनो फोर्स की चीता हो, हर चीज में प्लीज जाइए अपने अपनी सीट पे। प्लीज सर, आप बड़े पे बोलिए, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ सर, आप मैं किसी को आहत करने के लिए, आप मुद्दे पे बोलिए ना, चोट पहुंचाने के लिए मैं एक शब्द नहीं कहते। अच्छा, आप लोग गलतफहमी हो रहे हैं, ये हम ये कहना चाहते हैं कि चांद से लेकर कूनो फॉरेस्ट की चीता तक
हर चीज में हमारे प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलते संयम रखिए। मणिपुर के बारे में उन्हें चुप्पी साधी रहे, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, यही मैं जाहिर करना चाहते हैं। संयम पे बोले आप सर। अभी तक देखिए ना, मणिपुर की जो दो एमपी है, मणिपुर के दो एमपी डॉक्टर रंजन सिंह राजकुमार, मणिपुर का और एक एमपी डॉक्टर लोरो फुजो, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि हमें सदन के अंदर कुछ सुने उनसे, वो भी नहीं मौका मिलती लोग। हम अमित शाह जी को पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी कल जो आपने बयान दिया ना, ये बड़ा घातक बयान दिया आपने। आपने कहा था कल, याद कीजिए, कि हम बफर जोन में सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया है, याद कीजिए। आपने खुद स्वीकार करते हैं कि बफर जोन बन गए हैं। बफर जोन कहाँ बनते, लाइन ऑफ कंट्रोल में बफर जोन बनते, इसका मतलब आप क्या स्वीकार करते हैं कि कुकीलैंड और मेटीलैंड अलग हो गए? प्लीज कंक्लूड। नहीं सर, प्लीज कंक्लूड सर। कैसे सर? ओके सर, इसीलिए ये बफर जोन की बात कभी आपको नहीं करना चाहिए था। मतलब आज जो सेंस ऑफ डिलिनेशन, इट इज गोइंग टू बी टेस्टेड इनटू ए जियोग्राफिकल डिलिनेशन ऑफ द टू वॉरिंग फैक्शन, इसलिए मैं आपको सतर्क करना चाहते। कल आपने बड़ा गलत बयान पेश किए हैं, ये बफर जोन की मुद्दा उठाकर आपने खुद स्वीकार किया कि बफर जोन अभी है। आपने कांग्रेस पे आरोप लगाने का कोशिश किया, लेकिन देखिए आपने खुद राज्यसभा में no. ये बताया कि 1528 फेक काउंटर हमारी जमाने में हुई थी। ये आपने यही नहीं बताया कि कितने साल तक वो हुई थी, 33 साल में हुई थी। सर सर रूल 352(5) सर 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 रूल 252(5) सर। कांग्रेस की जमाने में अपॉन द कंडक्ट कांग्रेस की पर्सन इन हाई अथॉरिटी अनलेस द डिस्कशन इज बेस्ड ऑन द सब्सटेंशियल मोशन ड्रॉन इन प्रॉपर टर्म्स सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। इसको एक्सपंज करना, प्राइम मिनिस्टर इज द हाई अथॉरिटी, इसको एक्सपंज करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए सर, ऐसा नहीं चलता है सर। सर सर हमारे गीता में एक बात कहे जाते, गीता में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम, इनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है पंडित देव जी। बोलिए ना सर। सर सर 352 अहंकारम 352(5) सर बलम दर्पम टू द फैक्ट मैटर ऑन व्हिच द जुडिशियल डिसीजन इज पेंडिंग सेकंड सर, मैं ये सब प्रेफर नहीं करता हूँ। पांचवा नंबर पर ये है, रिफ्लेक्ट अपॉन द कंडक्ट ऑफ द पर्सन इशू आई अथॉरिटी अनलेस द डिस्कशन इज बेस्ड ऑन द सब्सटेंशियल मोशन ड्रॉन इन प्रॉपर टर्म, कोई मोशन मूव नहीं किया है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, ऐसे आरोप लगाना अनाप शनाप बेसलेस एलिगेशन, डूइंग द बेसलेस एलिगेशन कैनॉट बी एक्सेप्टेड सर, इट कैनॉट बी टॉलरेटेड, ही शुड आप रूलिंग देना चाहिए, हमारा निवेदन है और उनको माफी मांगना चाहिए और जो कुछ भी बोला है वो एक्सपंज करना चाहिए सर। कोर्ट से निकाल दिया, प्लीज कोर्ट से निकाल दिया प्लीज। सर बोले, सर बोले, नो नो सर। आप ऋतुराज सिंधिया जी अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज मैं